मेरे सबसे ज्यादा धन्यवाद उस शख्स का जिसने रामलीला ग्राउंड में एक छोटा सा सपना देखा कि क्यों ना खुद ही सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम के अंदर जाया जाए। वहां से छोटा सा काफिला शुरू किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का काफिला बढ़ता गया बढ़ता गया। आज वो काफिले का नाम आम आदमी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। उसके मैं कहूंगा पूरे देश के लोक लाडिला मुख्यमंत्री, पूरे देश के लोक लाडिला मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। मैं यहां पे प्रचार करते करते मैंने काफी गुजराती सीख ली है। हाँ पढ़ लेता हूं मैं, देखो ना, गुजरात मां पण केजरीवाल। तो गुजरात में भी केजरीवाल, और गुजरात में केजरीवाल का मतलब क्या है? केजरीवाल की सोच, केजरीवाल की सोच गुजरात में से निकल के संसद में जाए, ये हमारा नारा है। तो आप सब लोग मेरे सामने बैठे हो, बहुतों को मैं पर्सनली जानता हूं। कृष्ण बापू जी बैठे हैं, मैं प्रचार के लिए गया था, सोलंकी जी बैठे हैं, सारे मेरे मित्र हैं। तो पूरे मीडिया के सारे मित्र, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आप यहां पर आए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। दिखाना ना दिखाना तो ऊपर वालों का काम है, कम से कम कैमरे तो आ गए ना, इनकी तो हिम्मत है ना, इनके लिए मुबारकबाद है। तो आज हम यहां पर गुजरात वासियों को एक धन्यवाद भी करने आए हैं। गुजरात का नाम इतिहास में लिखा गया है। आज से 10 साल बाद, 20 साल, 50 साल बाद जब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब किसी पेपर में या किसी पीएचडी के थीसिस में लिखा जाएगा, जब पूछा जाएगा कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने में किसका योगदान था, तो उसमें बड़े सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा गुजरात। गुजरात के चुनाव में आपने 14% वोट दिए, तो आज 1150 पार्टियां, लगभग 1155 पार्टियां देश में रजिस्टर्ड हैं। आम आदमी पार्टी जो है अब टॉप 3-4 में आम आदमी पार्टी का शुमार होता है। उसके लिए आपका धन्यवाद है कि आपने 14% जो मत दिए, उससे बहुत बड़ा कद बढ़ गया। ऐसे ही अपना अपना योगदान हर स्टेट का है। पंजाब ने पहली बार 4 एमपी दिए 14 में, उसके बाद विपक्ष में आए पंजाब में हम, उसके बाद सरकार बनी, फिर हमारे 7 एमपी राज्यसभा में आए, 7 के 7ों पंजाब से, 7 ही हैं पंजाब में, 3 दिल्ली से आए, फिर मध्य प्रदेश में सिंगरौली में हमारे मेयर, एमसीडी दिल्ली में हमारी लोकल गवर्नमेंट है, और सबसे ज्यादा फेमस जो है वो चंडीगढ़ का मेयर है। आपने देखा होगा किस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हुई, शुक्र है भगवान का कैमरे भी लगे हुए थे, और ऊपर से माननीय उच्च सर्वोच्च न्यायालय और माननीय चीफ जस्टिस साहब, उनको कैमरे नजर आए और कैमरों में उन्होंने देखा कि कुछ हो रहा है, तो किस तरीके से 36 मत गिनने थे सिर्फ, मात्र 36, 36 में से 8 वोट जो थे वो उसने कैंसिल कर दिए और जबरदस्ती बंदा बिठा दिया कि मेयर बन गया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो माननीय चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा कि ये दिखाओ, लेके आओ ये सारे बक्से। तो जब वहां चेक किया गया तो सारे वोट जो थे आम आदमी पार्टी के निकले, और जुडिशियल हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ इससे पहले कि कोई किसी मेयर का नाम सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया कि मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। अब हमें इस बात की खुशी तो है
कि मेयर हमारा बन गया चंडीगढ़ में, लेकिन इस बात का डर और दुख जरूर है कि 36 में से 8 वोट काट दिए, लगभग 25% वोट इधर उधर कर दिए, खत्म कर दिए विपक्ष के। तो अभी मई के एंड में 92 करोड़ वोट गिनने हैं, वो कैसे गिने जाएंगे, ये हमें दुख है इस बात का। उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, वोट कहीं डलेगा, वोट कहीं मिलेगा, जीतेगा कोई और, ये क्या मतलब। डेमोक्रेसी जो है, जो देश में खतरे में है, उसी डेमोक्रेसी को, संविधान को, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बचाने के लिए हम आपके पास आए हैं। क्योंकि क्योंकि अगर संविधान ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा, तो बाकी क्या करेंगे, क्या करना पड़ता है। इसी सोच के साथ हमने इंडिया गठबंधन में हमने जो है अपने आप को शामिल किया है। और आज भरूच और भावनगर से जो ऑफिशियल, वैसे तो बहुत से पहले से चल रही है, लेकिन ऑफिशियल लॉन्चिंग आज है हमारी, जो प्रचार की कमेटियां बनी हैं, प्रचार करेंगे। मैं बहुत गया हूं दाऊद से लेके पूरा आदिवासी एरिया, तो बहुत ही ज्यादा आपके एरिया में भी बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार दिया, इतना प्यार दिया। और मैं जब प्रचार करता था तो वहां कई जगह तो वो जाता ही नहीं है, सिग्नल ही है नहीं, फोन का सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है। तो लेकिन लोग बहुत ही जज्बाती हैं, उनके तीन ज हैं, जल, जंगल और जमीन, ये तीनों छीने जा रहे हैं। तो उसी चक्कर में चेत्र भाई ने एक फॉरेस्ट ऑफिस वाले आ गए, फॉरेस्ट वाले एक किसान की जमीन को कब्जा करने लगे, हमारी है। तो इन्होंने जो उनको जुर्माना वाना किया था वो वापस करवा दिया, इनको जेल में डाल दिया, इनकी पत्नी को जेल में डाल दिया, हम जेल में मिलने गए थे। तो मतलब जो थोड़ा बहुत भी किसी के हकों की आवाज, अधिकारों की आवाज उठाएगा, जेल में डाल देते हैं। दिल्ली में साहब को जाके बोला किसी ने, बड़े साहब को, कि जी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए सरकारी दिल्ली में, जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनसे हम कमीशन लेते हैं, उनमें से निकाल निकाल के पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी में दाखिला करवा रहे हैं, कुछ करिए सर, हमारा नुकसान हो रहा है। तो साहब ने पूछा किसने किया, जी मनीष सिसोदिया, जेल में डाल दो। फिर किसी ने कहा साहब प्राइवेट हॉस्पिटलों में आता ही नहीं है कोई, इतने अच्छे शानदार स्कूल कर दिए, अस्पताल कर दिए दिल्ली में, कि पूरे पूरा पैरासीटामोल से लेके 40 लाख 50 लाख तक का इलाज फ्री है। तो बड़े साहब ने कहा किसने किया, सत्येंद्र जैन ने, उठा के फेंक दो, जेल में डाल दो। तो साहब ने खुद आंखों से देखा कि राज्यसभा में कौन बोलता है, तो करे इनको, संजय सिंह को उठा के जेल में रख दो। फिर किसी ने बता दिया जी अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं देश में, भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाता है, उनकी रैलियां बंद कराओ किसी ना किसी तरीके से, इनको ईडी का समन भेज दो। 9 समन आ गए, एक इतनी बड़ी किताब बन गई, किताब बन गई समनों की। और ये नहीं बताते क्यों बुला रहे हैं, समन आ रहे हैं, बस समन आ रहे हैं, क्या करें जी, बड़े साहब का हुक्म है। ये क्या चल रहा है, पार्टी ऐसे, आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। आप केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, उसकी सोच को कहां गिरफ्तार करोगे, कैसे गिरफ्तार करोगे, जो 10-11 साल में देश में करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कौन सी जेल में डालोगे। ये गलतफहमी में है, कैसे हम उनको रोक लेंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें।